नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आप समय ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों सिर्फ एक स्टॉक की बात करूंगा, उम्मीद से घटिया नंबर कंपनी ने दिखाया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट के संकेत आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ टेक महिंद्रा, ऑलरेडी 50% स्टॉक अपने हाई से टूट चुका है और जो इसके रेवेन्यू एस्टिमेट से वो मीट नहीं हो पाए और प्रॉफिट फॉल्स हुआ है ऑलमोस्ट 25%। तो डेफिनेटली हो सकता है कल मार्केट में इसमें एक करेक्शन आपको देखने को मिले, गिरावट। और जैसे आपको पता है ये स्टॉक हमारा एक स्विंग ट्रेड सेटअप में एप्लीकेबल था और 999 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो मैं यही बोलूंगा अगर आपके पास स्टॉक है तो 999 रुपये का आराम से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, फॉलो करना है, ठीक है। मैं खुद स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ 999 रुपये, 995 रुपये एक घंटे का इसकी प्राइस ट्रेड करता है, तो मैं डेफिनेटली स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा, आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक में कैसे नंबर है, पहले वो करते हैं बात, है ना। और ध्यान रखना घटिया कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करो, ठीक है। मेरा व्यू शॉर्ट टर्म था इसलिए मैंने इसको एकोमोडेट किया था, बाकी हाँ लॉन्ग टर्म व्यू अगर स्टॉक का आपका है तो एक एक नंबर स्टॉक है, डेफिनेटली आप स्टॉक को एकोमोडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करें सेल्स की, तो कंपनी की देखो जून 2022 में सेल्स अच्छी खासी आई है, हाईएस्ट सेल्स देखने को मिलती है वही 12,708 करोड़ की। और वहीं अगर बात करते हैं लास्ट क्वार्टर में मार्च में 12,116 करोड़ था और जून 2021 में 10,000 करोड़ की सेल्स थी, मतलब सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस, तो कंपनी के इस बार का जो एक्सपेंस थोड़े हाई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि लास्ट जब से कंपनी लास्ट 2-3 क्वार्टर प्रॉफिट दे रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा लो था, लेकिन इस बार जून में कंपनी एक्सपेंस थोड़े हाई थे, इसी वजह से कंपनी का 1880 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर बात करते अदर इनकम, तो इस बार कंपनी को अदर इनकम से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी को 1132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ नेट, जो लास्ट क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर ये आपका 1353 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फॉल हमें देखने को मिलता है 10-25% के बीच में, तो कंपनी के नंबर डेफिनेटली यहाँ पर घटिया है, एकदम लो आए। अब क्या संकेत मिल रहे, देखो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रखी है, जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं चांसेस हाई है कि वो मॉर्निंग में गैप अप खुलता है और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, यही देखा जाता है। और चांसेस हाई है कि कल ये स्टॉक आपका गैप डाउन खुले, लेकिन खुलते ही स्टॉक को नहीं बेच देना है आपको, ध्यान रखना है। मैंने बोला ना एक घंटे अगर 995 रुपये के नीचे ट्रेड करता है 999 रुपये के नीचे तब आप स्टॉक से एग्जिट करना, अदरवाइज ये स्टॉक वहां से यूटर्न ले सकता है, क्योंकि जितना इसमें गिरावट आनी थी ना प्राइस में वो करेक्शन आ चुकी है, ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, प्रॉफिट के हिसाब से ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। आप अब बिलीव करो ना करो, कल देखते हैं कल क्या होता है। मेरे हिसाब से एक बार गैप डाउन खुलता है तो स्टॉक में एक रिकवरी आएगी जो स्टॉक को ऊपर तक लेके जाएगा, क्योंकि सबके पहले ये स्टॉप लॉस हिट करवाएगा 1000 रुपये के नीचे के, फिर जाके इसमें एक फ्रेश आप हो सकते हो जर्नी या फिर तेजी स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी हमें सेफ खेलना है, तो 999 रुपये के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक बाय के लिए बाय किया था। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया तो अच्छा प्राइस में आपने बाय किया है और नीचे आपको अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप एवरेज कर सकते हो, किस प्राइस में एवरेज करना है आपको वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो टेक महिंद्रा तो स्टॉक बहुत टूट चुका है, मैं आपको हाई से दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ऑलमोस्ट 43% टूट चुका है, ठीक है। अगर बात करते अगला सपोर्ट क्या बन सकता है स्टॉक का, अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट को लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में, ठीक है। अगला जो एवरेज होना चाहिए आपका 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में, इससे पहले आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले लोग डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं इसके सिक्योरिटी पैटर्न, देखो ये चीजें तो प्रॉफिट आती जाती रहती है, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में, खासकर फंडामेंटल एनालिसिस में जो मैंने ऑब्जर्व किया, वह है प्रमोटर्स की होल्डिंग और कितने बड़े लोगों का पैसा लगा है। FII DII की जब तक होल्डिंग स्टॉक में है ना, कोई स्टॉक को नीचे नहीं गिरा सकता, समझो बात को। शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस आपका ऊपर ही जाने वाला है, मतलब आप एक बार एक आध महीना ऐसे ऐसे करेगा प्राइस, ठीक है, एक ऐसे ऐसे करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसे ऊपर जाएगा जो हमें दिख रहा है उसके चार्ट में, ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो मात्र 13% है, जो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें आज कैसा काम हुआ स्टॉक में,
तो एनएससी में आप लोग देख सकते हो कि कैसा काम हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम तो स्टॉक अच्छा खासा आता है, लेकिन डिलीवरी आज कैसे उठाएगी एक बार हम वो देख लेते हैं। तो देखो 14 लाख शेयर लोग आज भी घर लेके गए, ऑलमोस्ट 50% डिलीवरी स्टॉक उठाई गई है। डिलीवरी स्टॉक अच्छी उठाई इसलिए जा रही है कि प्राइस अच्छा मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्राइस अच्छा मिल रहा है, प्राइस सस्ता महंगा बहुत सस्ता है, महंगा नहीं सस्ता है बहुत, प्रॉफिट जैसे मर्जी आए लेकिन कंपनी का प्राइस बहुत सस्ता है। तो ये मेरे हिसाब से प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है रिजल्ट्स को। अगर नीचे कल गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली वहां पर एक शार्प आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो मेरा यही विचार है, अगर हो सके तो खुलते ही बाय और सेल मत करना, वेट करना कम से कम 15-20 मिनट, देखना कि क्या चल रहा है प्राइस में। प्राइस में कुछ अगर आपको दिखता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, मैं भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म में मैं बता चुका हूँ, 800-900 रुपये के बीच में आप डेफिनेटली स्टॉक एवरेज कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। बाकी शॉर्ट टर्म व्यू था जब मेरे तरह, तो आप स्टॉक से डेफिनेटली लॉस कट करके एग्जिट कर सकते हो। तो समाप्त करता हूँ, अच्छा लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही शानदार दमदार अच्छे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो शेयर की तरफ, जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्लास में।